हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है और मैंने रखे हैं व्रत। और देखिए आज है पहला नवरात्रा और माता जी का श्रृंगार मैंने किया है ग्रीन वस्त्रों से मल्टी कलर के। और देखिए पूजा हो गई मेरी सुबह की। कान्हा जी को भी नई ड्रेस पहनाई है, रेड कलर की जयपुरी ड्रेस। और देखिए ज्योत भी जगा दी मैंने, कलश की स्थापना भी कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने चावलों से बनाया है अष्टभुज कमल और फिर मैंने कलश की स्थापना कर दी और इस तरीके से मंदिर को सजाया थोड़ी सी लाइट लगा के। जय गुरु जी। और देखिए मंदिर का लुक कैसा लग रहा बताइएगा। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो माता के भोग के लिए मैं रखती हूँ ये वाला प्रसाद मेवे का। और जो भी खाते हैं हम व्रत के समय पे जो भी भोजन लेते हैं तो उसका भी भोग लगाते हैं। तो शाम को जो भी भोजन खाएंगे तो उसका भोज मैं व्रत का भोग भी लगाऊंगी। तो मेरा ही व्रत है सिर्फ, और किसी का नहीं है। तो इस तरीके से हमने मंदिर को सजाया है और यहाँ पे ना साफ़ सफाई भी हो गई है। थोड़ी चीज़ें मुझे ठीक करनी है, अभी सफाई करके गई है। वो पंखा वंखा चल रहा है देखिए, और धुआं लग रहा है क्योंकि मैंने गूगल जलाया है, गेट के पास पड़ा हुआ है। पर देखिए दिख रहा है तो ये रहा, ये यहाँ पे हम रख देते हैं। धुआं हो रहा है यहाँ पे घर के अंदर, तो धीरे धीरे निकल जाता है सारा गूगल का धुआं भी। और देखिए धूप आ रही है अभी, तो इस प्लांट की जो है पत्ती इस तरीके से खुलने लग गई। देखिए नीचे लेकर आई ना मैं, तो ये पत्ती अभी खुल जाएगी थोड़े दिनों में, दिखाऊंगी आपको। और टर्टल वाइन इसमें चल रही है अच्छे से। और एक आपको और दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए अपराजिता की बेल निकल आई अपने आप ही। ये भी देखिए अपराजिता के बीज गिरे होंगे ना ऊपर इसमें, तो इसमें वे दो तीन बेलें निकल आई हैं। तो देखते हैं सर्वाइव करती हैं कि नहीं। तो मैं पानी भी कम ही डाल रही हूँ यहाँ पे, तो छोटी सी थी बिल्कुल, और इसके जो लीफ हैं और भी निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा रोशनी आती है यहाँ से। और ये देखिए पब इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं एक प्लांट में, एक इधर भी निकल आया यहाँ पे, एक इधर है, ये तो टेढ़ा ही निकल रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा इधर, ये बढ़ रहा है ये। तो सारे बहुत सारे निकल आए इसके अंदर पब। और अब राजस्थान की बेल देखते हैं कैसे होता है, नहीं तो निकाल के ऊपर लगा के आऊँगी तो बीज गिरे होंगे, नहीं तो इस तरीके से मैं सोच रही हूँ हैंग करूँगी। थोड़ी बढ़ेगी तो पता नहीं लगती है कि नहीं, क्योंकि इसको धूप चाहिए भरपूर। तो देखिए कहीं पे भी कोई भी पौधा उग जाता आजकल, और स्नेक प्लांट चल रहे हैं सही बिल्कुल। इधर मैंने मनी प्लांट को धो के अच्छे से इसको भी धूप लगवाती हूँ, तो इसमें भी न्यू शूट्स आ रही हैं। तो पानी 3 दिन बाद इसका बदलिए, इसमें काई नहीं लगनी चाहिए पानी में। और देखिए इसकी रूट्स दिख रही हैं, थोड़ी सी धूप इनको भी दिखानी ज़रूरी है। और इधर देखिए स्ट्रे गार्डन, तो यहाँ पे धूप आती है रोशनी भी आती है, तो ये भी सही से चल रहा है। ये देखिए तो भी सारा मैं ठीक करूँगी यहाँ का। और ये वाला भी सही है, इसमें पानी कम डालना है बस, पानी स्प्रे से डालती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये सही चलता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, यहाँ पे आलू रख दी उबलने के लिए और इधर दूध रखा हुआ है। तो आलू देखती हूँ, सूखे आलू बनाऊँगी अपने लिए। और बच्चों को सुबह लंच पे मैंने दी थी पनीर की भुर्जी बिना प्याज के, सिर्फ टमाटर डाला है इसके अंदर आज। तो आज से जो है लहसुन प्याज हमारा बंद 9 दिन तक। और देखिए रही मैं, और मैंने कर ली पूजा, तो मेरा चेहरा आपको थोड़ा ऐसे ही लगेगा बिल्कुल, तबीयत ऐसी हो रही है, बुखार हो जाता है मुझे, जुकाम वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने पूजा कर ली, तिलक लगाया है देखिए, और बस अभी जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे दिन में। तो अभी मैं आज मेरे व्रत है पूरा, मैंने पूरे 9 व्रत रखे हैं। नौनी अष्टमी पूजते हैं हम, तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो अष्टमी तक मेरे व्रत रहेंगे। और लहसुन प्याज वगैरह सब बंद, सिर्फ टमाटर और जीरे का छोंक या अदरक डाल सकते हैं, तो वही डालेंगे, वही खाना बनेगा। तो मैं देखूंगी जो भी खाना मुझे खाना होगा, जो मन करा करेगा वही खाऊंगी, तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में।
तो बताइएगा मंदिर में ये पर्पल कलर की पिंक कलर की लाइट लगाई है तो मैंने कैसी लग रही है। नीचे भी मुझे एक पर्दा लगाना है गोल्डन कलर का, तो अभी नहीं शाम के टाइम या दिन में लगाऊंगी क्योंकि सामान दिखता है अंदर से सारा ये मंदिर का। तो यहाँ पे जो वेलवेट का था वहाँ यहाँ आग लग गई थी तो बताया था मैंने आपको, तो वो जल गया पूरा। मैंने वो भी हाथ से ही बनाया था। एक मेरे पास दुपट्टा पड़ा है गोल्डन, उसको भी अच्छे से बना के यहाँ लगा दूंगी ना तो कवर हो जाएगा पूरा मंदिर नीचे से। बताइएगा मंदिर कैसा लग रहा है। तो पर्पल लाइट थी ये, मैंने यही लगा दी, गोल्डन वाली ढूंढ रही थी येलो कलर की तो वो। और देखिए ये जो केलों का फर्टिलाइज़र मैंने बनाया केले के छिलके का, तो इसको छान लिया है मैंने, और भी छान रही हूँ और इस बॉटल में भर रही हूँ और इसमें मैं पानी डालूँगी और फिर पौधों को डाल के आएंगे। थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में डालेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके का फर्टिलाइज़र घर पे बनाइए और अपने प्लांट्स को फ्री की खाद और फर्टिलाइज़र दीजिए, तो बहुत अच्छा ये कारगर फर्टिलाइज़र है। इससे जो प्लांट्स को बहुत पोषण मिलता है और वो ग्रो करते हैं अच्छे से। फ्रूट वाले प्लांट्स जो हैं फ्रूट्स देते हैं और फ्लावर वाले फ्लावर्स देते हैं और सभी की पत्तियाँ भी हरी भरी रहती हैं। तो आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। ऐसे ही आप प्याज के छिलकों को और जितने भी फ्रूट्स आप पील करते हैं ना छिलते हैं, तो उनको भी उनके छिलकों को भिगो के रखिए। तो ये हो गया है, एक हफ्ता हो गया इसको पड़े हुए, तो मैं इसको छान के इसमें डबल जो है पानी रखूँगी और इसमें भर के ऊपर लेके जाऊँगी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस फर्टिलाइज़र। आधी लीटर आधी पानी हो गई है इसमें, जो बायो एंजाइम मैंने बनाया ये डाला आधा और आधा पानी हो जाएगा, और इसको और बड़ी बाल्टी में भी डालूंगी। तो इसमें चार गुना पानी आपने डालना है तो ये एक फर्टिलाइज़र बन जाता है लिक्विड और बायो एंजाइम भी, तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए आधे से भी कम है ये, तो इसको पूरा भर दूँगी मैं पानी से। अब इसमें हम पानी भरेंगे थोड़ा सा अलग से, तो फिर ये आधी होगी तो फिर पानी और डालूंगी मैं इसके अंदर, तो फिर इसको प्लांट्स में डालती हूँ। तो आप भी ज़रूर डालिएगा प्लांट्स में इस वाले फर्टिलाइज़र को बना के, और बताइएगा आपको ये फर्टिलाइज़र की कैसा लगा। तो देखिए अभी मैं इसमें से आधा डालूंगी, फिर इतना रह जाएगा, फिर इसमें पानी भर दूँगी। और इधर देखिए शाम का समय है तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए बच्चों के लिए, और इधर मैंने अपने लिए रोस्ट किया मूँगफली और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मखाने, किशमिश और बादाम। तो चाय के साथ खाऊंगी मैं, और अभी बनाऊंगी मैं व्रत वाले चावल की खिचड़ी। तो उसमें सब्जी डालूंगी, गाजर, चुकंदर, आलू, टमाटर, तो मस्त खिचड़ी बनाएंगे, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं पहले चाय पीऊंगी और ये चीज़ें खाऊंगी। तो आप भी ज़रूर खाइए, ये सभी खाते हैं, तो व्रत में ये चीज़ें खानी भी चाहिए, इनसे हमें ताकत भी मिलती है, पोषण भी मिलता है। तो आप बने रहिए व्लॉग में, तो जो होगा। और यहाँ पे देखिए मैं छत पे हूँ तो यहाँ पे पटाखे बज रहे हैं उधर, तो और मैं पौधों में पानी डालने आई थी। तो शाम का समय है तो यहाँ पे ना ये नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो उसी से एक दिन पहले की है, तो ईद का भी आगाज़ हो रहा है, तो ईद है कल, तो इसीलिए पटाखे बज रहे हैं। तो जहाँ पे पटाखे बज रहे हैं उधर मस्जिद है पास में ही, तो इसीलिए पटाखे बजा रहे हैं वो। तो सभी को जो भी मेरे मॉडर्न व्यूअर्स हैं सभी को हैप्पी ईद भी, और सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। तो देखिए पटाखे कितने सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पे शहरी भी खड़ा है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने शाम की जोत जगाई है, शाम को फिर से पूजा की है। और मंदिर देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। तो शाम को फिर से जोत जगा दी और माता को भोग लगाएंगे अभी। तो मैं अभी बनाऊंगी खिचड़ी जो आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं धूप बत्ती जो यहाँ पे नहीं जला के आती, धूप बत्ती जो मैं थोड़ी देर रखती हूँ अंदर मंदिर में और फिर बाहर रख देती हूँ क्योंकि अंदर हो जाता है धुआं रूम में। राजे मैया रतांबरी राजी, रक्त पुष्प गले माला कंठन परिसाजी, ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग कप्रधारी, मैया खड़ग कप्रधारी सुर नर मुनि जन सेवक। और देखिए मैं बना रही हूँ अभी व्रत वाले चावल वाली खिचड़ी, तो मैंने चावल भिगोए हैं
और घी में बनाऊंगी, तो थोड़ा सा घी लेंगे हम, अपने लिए ही बनाऊंगी। और ये वाली सब्जियां डाल रहे हैं इसमें, एक उबला हुआ आलू है, टमाटर, चुकंदर, गाजर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है इसमें, जीरा डालूंगी और सारी सब्जियां थोड़ी सी फ्राई करूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालूंगी, हल्दी हम खाते नहीं है व्रत में, तो बस मैं बना लूंगी इसको। और दो तीन विस्तल में मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी, फिर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें डाला जीरा और सारी सब्जियाँ इसमें ऐड करूँगी अब, और इनको भूनूंगी अच्छे से। और सब्जियों को मैंने भून लिया है, इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हम लाल मिर्च खा लेते हैं। तो हरी मिर्ची अभी मेरे गले में लग रही है, लाल भी लग रही है पर बहुत कम डाली है, थोड़ा सा तो चटपटा मन कर रहा है खाने का। तो देखिए इस तरीके से कुकर में खिचड़ी बना लेती हूँ। और अभी जो ये मैंने चावल भी धोए हैं ना सौंफ के व्रत वाले, तो इसको ऐड कर दूँगी पानी समय भी चाहिए, तो सारे आपको ऐड करके तो हम मिक्स करेंगे और बना के दिखाती हूँ आपको खिचड़ी कैसी बनती। पतली पतली बनाती हूँ मैं, ज़्यादा मेरे से गाढ़ी गाढ़ी खिचड़ी खाई नहीं जाती, तो थोड़ा सा दही लूँगी, वैसे तो गला ख़राब है तो अगर ऐसे खाई जाएगी तो ऐसे ही खाऊंगी, नहीं तो थोड़ा सा दही लूँगी साथ में, तो इसमें पानी डलेगा। तो पतली पतली जो है अच्छी लगती है खिचड़ी, गाढ़ी गाढ़ी वो खाई भी नहीं जाती। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा व्रत का खाना बन गया इस तरीके से, खिचड़ी बन चुकी है। तो अभी मैं पहले भोग लगाऊंगी माता जी को और फिर हम खाएंगे। और देखिए मैंने भोग भी लगा दिया और अब मैं खाऊंगी खाना व्रत का। तो बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।